आज क्या अपडेट्स निकल के सामने आए हैं ट्विटर पे और आज मार्केट का क्या हाल है और मीम कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है, पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है वीडियो के साथ, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात की जाए मार्केट कैप की कि क्या चेंज हुआ है, तो यहाँ पे आपके सामने है दोस्तों, लगभग काफ़ी नीचे आ चुका है मार्केट कैप, 1.53% डिक्रीज हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, 2.62 ट्रिलियन बना हुआ है और फियर एंड ग्रीड 81 की सीरीज में लगातार बना हुआ है। और वहीं पे दोस्तों बिटकॉइन के अंदर कल शाम को अपने क्या देखा, एकदम से पंप हुआ, सीधा 71,500-71,600 तक प्राइस चला गया, फिर एकदम से ही 2 मिनट के अंदर अंदर ही वापस से फिर नीचे आ गया। लेकिन क्यों? क्योंकि ये दोस्तों वेल से खेल कर रही है, कहीं ना कहीं बाइंग सेलिंग हो रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है बिटकॉइन पर। अभी भी 69 पे प्राइस आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, 700 कल से बात करें, कल 70,000 के आसपास था, शाम को कल से थोड़ा इसके अंदर दबाव बनता हुआ, प्रेशर बनता हुआ नज़र आया, लेकिन कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। एक न्यूज़ थी वो कुकमाइन की निकल के आई थी, उस वजह से भी थोड़ा प्रेशर तो मार्केट में बनना ही था, उस वजह से भी हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी सेलिंग की यहाँ पे बात भी नहीं निकल के सामने आई है। तो बात करते हैं बाकी मीम कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है। शिबा इनू कॉइन यहाँ भी 2% गिरावट है, 3.0 की सीरीज बनी हुई है, ग्राफ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। फ्लोकी इनू कॉइन यहाँ पे 6-7% गिरावट आ चुकी है, काफ़ी नीचे तक जा चुका है ये कॉइन भी, 22 की सीरीज यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे बात करें तो बेबी डोज कॉइन की 8% के आसपास डाउन है, ग्राफ इसका भी नेगेटिव है। और यहाँ पे बात की जाए पेपे इनू कॉइन की, 7-6 की सीरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। कल कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि शिबा को दोस्तों बाय किया जाए तो कहाँ किया जाए, तो मैंने शिबा की आपको पहले ही बाइंग पिछले वीडियो काफ़ी दिन पहले जब डाउनफॉल में था तब बताया था, 24 और 25 जो सीरीज है वहाँ पे बाइंग बनती थी, अभी 3.0 की सीरीज चल रही है, यहाँ बाइंग तो नहीं हो सकती, थोड़ा नीचे आए 25 या 24 ऐसा कुछ देखने को मिले जो कि चांसेज कम है, क्योंकि मार्केट अब ऊपर जाने के चांसेज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अगर मिले एंट्री की जगह तो ज़रूर बना लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों ट्विटर पर क्या अनाउंसमेंट है वो भी जान लीजिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, सबसे पहले आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है इतना तो कर दीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको क्रिप्टो की हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे ट्वीट जो निकल के सामने आया, क्योंकि दोस्तों कल शाम से मेरी कोशिश यही है कि वीडियो जितना भी छोटा हो मतलब उतनी फास्ट तरीके से आपको न्यूज बताइए, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे पहला जो ट्वीट निकल के आया, 4.5 ट्रिलियन एसेट मैनेजर फेडरेलिटी फाइल S1 फॉर्म फॉर सपोर्ट अथेरियम ETH विद स्टॉकिंग इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे दोस्तों जो बड़ी कंपनी है जिनका 4.5 ट्रिलियन जो उनका जिनके पास पैसा है फेडरेलिटी, उन्होंने अथेरियम के लिए सपोर्ट ETF का यहाँ पे फॉर्म दे दिया है आपके सामने है, तो उनको यहाँ पे बहुत जल्द ये भी ऑर्डर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़े काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्लैक रॉक फिडेलिटी ये नाम तो आप डेली के डेली सुन रहे होंगे, और ये चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से हो रही है, यहाँ पे फॉर्म जो सबमिट हो चुका है, फाइल हो चुका है, बहुत जल्द इसका भी निकल के सामने आ जाएगा कि इनको अनुमति मिल गई है। अगला ट्वीट है दोस्तों, ब्लैक रॉक CEO लैरी फिंक से इट्स सपोर्ट बिटकॉइन ETF इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ETF इन हिस्ट्री एंड हे वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइन। तो इनका कहना है ब्लैक रॉक के CEO का कि उनका जो ETF है वो सबसे फास्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसके अंदर हो रही है, और इसी का फ़ायदा बिटकॉइन को भी मिलने वाला है, बिटकॉइन का प्राइस भी दिन दुगनी रात चुगनी यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लैक रॉक है इसका नाम आना बंद हो गया था आपके सामने जब डाउनफॉल आया, अभी कुछ इसी वीक की बात कर लें, कोई बड़ी बाइंग इन्होंने अभी तक नहीं की है, लेकिन दोबारा से नाम स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पंप भी मार्केट भी तैयार हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट मंथ के अंदर हालविंग भी है, और नेक्स्ट मंथ में जो पैटर्न है पैटर्न के अकॉर्डिंग भी 10,000-15,000 के आसपास बिटकॉइन को चढ़ना चाहिए, 20,000 भी चला जाए तो कोई घबराने की मतलब कोई भी ऐसी सोचने की बात नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन है भाई कहीं भी जा सकता है, और नेक्स्ट जो टारगेट खुल के आ रहे हैं इसके 1 लाख के आ रहे हैं वो भी बात करेंगे। और कल जो शाम को मैं जब ये उछला था 11 हॉर्स पहले इसका प्राइस 71,169 पे देखा गया था, और कुछ मिनट के लिए ही था ये नज़ारा, और उसी टाइम ये नीचे आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों जो कह सकते हो वेल्स हैं वो अपना खेल यहाँ पे करती रहती है। और यहाँ पे जो अगले टारगेट्स निकल के आ रहे हैं बिटकॉइन के दोस्तों, 75 से 80K हो सकता है,
हालविंग के वक्त बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे एक बड़े एनालिसिस द्वारा एनालाइज किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि रेडी हो रही है मार्केट नेक्स्ट जो अपने अगले टारगेट के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव न्यूज़ें भी निकल के आई है, उनको भी रिजर्व यहाँ पे किया जा रहा है अभी मार्केट के द्वारा। तो ये दोस्तों अपडेट थी आज की सुबह सुबह की, और बाकी मीम कॉइन्स की अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।